अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति का जो मान सम्मान करते हैं, किसी को इज्जत देते हैं, किसी का अपने जीवन में जो स्थान रखते हैं, वो या तो उस व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा, उसका धन दौलत, रंग रूप, आकार प्रकार, जाति इत्यादि देखकर किया जाता है। कौन कितना अमीर है, क्या करता है, क्या नहीं करता, उसका पद क्या है, उसकी पहचान क्या है, ऐसे कई और बातें होती है जिनके आधार पर व्यक्ति दूसरे को सम्मान देता है। किंतु किस तरह हमें सम्मान देना चाहिए, किसका सम्मान करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, किसको हमारे सम्मान के लायक समझना चाहिए और किसको नहीं, इसी को और अच्छे से समझने के लिए बुद्ध के जीवन से हम एक कहानी सुनते हैं। तो एक बार जेतवन के सभी ग्रामवासी, जेतवन एक गांव का नाम है, तो जेतवन के सभी ग्रामवासी भगवान बुद्ध के दर्शन करने और उपदेश सुनने के लिए एकत्र हुए। उस समय महाकश्यप, मोदगल्यायन, सारिपुत्र, चुंद और देवदत्त जैसे प्रबुद्ध जन बुद्ध के साथ धर्म विषयक गंभीर चर्चा में तन्मय थे। जैसे हम देखते हैं कि जहाँ पर वाद विवाद होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, अर्थात बुद्ध के साथ ही प्रतिस्पर्धा, धर्म संबंधी चर्चा करने के लिए जो आए थे उन्हीं में से उनका नाम था जो आए थे महाकश्यप, मोदगल्यायन, सारिपुत्र, चुंद और देवदत्त, तो ये लोग भी शामिल हुए थे। तो ग्रामवासी थोड़ा ठिठक कर खड़े हो गए। ठिठक कर अर्थात क्योंकि वो जो थे वो अच्छे ज्ञानी लोग थे, ये सोचकर उन्होंने उनको रास्ता दिया, क्योंकि इतने ज्ञानी जनों के बीच उनका सभी को असहज सा महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद बुद्ध की दृष्टि इन ग्रामवासियों पर पड़ी, मतलब जो ग्रामवासियों ने इन चार पांच जो महाज्ञानी लोग आए थे इनको रास्ता दिया, इनका सम्मान किया, तो बुद्ध की नज़र इन लोगों पर पड़ी जो गांव के साधारण व्यक्ति थे। तो उन्होंने, बुद्ध ने तुरंत धर्म चर्चा रोक दी, मतलब जो व्याख्यान वो दे रहे थे, जो उपदेश दे रहे थे, वो बोलते बोलते बंद हो गए। तो प्रबुद्ध जन जो आए हुए थे बुद्ध के इस व्यवहार पर चकित हो उठे और प्रश्नात्मक दृष्टि से उनकी ओर देखा कि बुद्ध ने चर्चा क्यों रोक दी। तो बुद्ध अनाथ पिंडक नामक जिज्ञासु से बोले। अनाथ पिंडक कौन है, ये भी बुद्ध का एक शिष्य है, अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में अनाथ पिंडक बुद्ध के शिष्य के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा। तो बुद्ध अनाथ पिंडक नामक जिज्ञासु से बोले, भद्र उठो, सामने ब्राह्मण मंडली खड़ी है, उन्हें आसन दो और आतिथ्य की सामग्री ले आओ। अनाथ पिंडक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे ब्राह्मण मंडली तो कहीं नहीं दिखी, मेले कुचेले या फटे वस्त्रों में खड़े हुए ग्रामवासियों का झुंड दिखाई दिया। पिंडक ने शक्ति स्वर में कहा बुद्ध से, देव उन लोगों में एक भी ब्राह्मण नहीं है, ये तो सभी निम्न जाति के हैं, कई तो इनमें से शूद्र हैं। तो बुद्ध ने गंभीर होकर बोले, पिंडक जो व्यक्ति सदा श्रद्धावान है वह ब्राह्मण ही है, अर्थात जो व्यक्ति श्रद्धावान नहीं है वो ब्राह्मण नहीं है, चाहे वो फिर किसी भी जाति में जन्म लिया हो, कितना ही बड़ा हो, कितना ही ज्ञानी हो, अगर वो श्रद्धावान नहीं है तो वो भी ब्राह्मण नहीं है। ये लोग, बुद्ध कहते हैं कि ये लोग प्रयोजन के लिए भावयुक्त होकर आए हैं, इसलिए इस समय तो ये ब्राह्मण ही हैं, अतः तुम इनका समुचित सत्कार करो। कथा आपसे क्या कहना चाहती है, बुद्ध इस उपदेश में आपसे क्या कहना चाहते हैं? बुद्ध कहना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अपनी जाति, धर्म, अपने ज्ञान, किसी के भी आधार पर ब्राह्मण नहीं होता है। वो ब्राह्मण होता है कि जो ज्ञान है उसका वो किस तरह से अपने जीवन में पालन करता है, लोगों के साथ किस तरह उसका व्यवहार करता है। अपने आप को अगर हम ब्राह्मण कहें और हम में जीवों के प्रति दया भाव नहीं है, धर्म के प्रति निष्ठावान नहीं है इत्यादि, तो आप ब्राह्मण नहीं हैं। तो इस कथा में, इस उपदेश में बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ब्राह्मण होता है। जो सद्गुणी हो और सत्कर्मी हों
वो शूद्र जाति में जन्मने के बावजूद भी ब्राह्मण हैं तथा उसी रूप में उनका आदर किया जाना चाहिए। इसके विपरीत चाहे कोई व्यक्ति ब्राह्मण जाति में हो या किसी भी महान धर्म में जन्म लेता हो किंतु वो सत्कर्मी नहीं है, वो सद्गुणी नहीं है, वो दुष्कर्म करता है, गलत कार्य करता है, तो वो भी ब्राह्मण नहीं है।